क्लास इलेवेंथ विषय भौतिक विज्ञान, जिसका छठा चैप्टर है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। इसका हमने एक पार्ट वन में जो पढ़ाया था उसकी वीडियो आपको भेज दी थी। आज जहां तक पहली वीडियो पढ़ा दी थी उससे आगे पढ़ाएंगे जो पार्ट टू के नाम से आपके पास पहुंचेगी। उस दिन हमने आपको बताया था वैक्टरों का जोड़ना, दो वैक्टरों को जोड़ना था। उसकी दो विधियां थी, एक तो थी ज्यामितीय विधि, नंबर एक ज्यामितीय विधि, और दूसरी थी गणितीय विधि। हम इसमें देखते हैं कि ज्यामितीय विधि में भी इसकी तीन प्रकार थे। एक तो था नंबर एक त्रिभुज विधि, दूसरी थी समांतर चतुर्भुज विधि, और तीसरी थी बहुभुज विधि। ठीक है, हमने पहली वीडियो में आपको त्रिभुज विधि पढ़ा दी थी। अब जो इसकी समांतर चतुर्भुज विधि है और दूसरी है हमारी बहुभुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि और गणितीय विधि बिल्कुल एक सी है, तो जब गणितीय विधि पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ समांतर चतुर्भुज विधि भी हो जाएगी। अब जो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बहुभुज विधि, दो या दो से अधिक वैक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि, दो या दो से अधिक वैक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि। इसमें यह होता है, इसमें एक पॉइंट है ए ओ, जिस पर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, फिर वेक्टर सी, फिर एक वेक्टर है डी। इन वेक्टरों को जोड़ना है। इन्हें कैसे जोड़ा जाए, जब दो या दो से अधिक वेक्टर होते हैं तो उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले वेक्टर ए खींच लेते हैं। यह वेक्टर ए, ये बिंदु है ओ, ये वेक्टर ए का प्रारंभिक सिरा है और ये इसका अंतिम सिरा, जिसे बाणाग्र बोलते हैं। फिर वेक्टर ए के बाणाग्र से प्रारंभ करके वेक्टर वी खींचते हैं। ये खींच लिया हमने वेक्टर वी खींचा। फिर इसका जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनका जो योग होगा उसे मान लेते हैं यह है वेक्टर ई। फिर तीसरा वेक्टर वेक्टर बी के बाणाग्र से शुरू करके तीसरा वेक्टर खींचते हैं वेक्टर सी। वेक्टर ई और वेक्टर सी का जो योग होगा उसे लिख देते हैं हम वेक्टर एफ। फिर एक चौथा वेक्टर खींच लेते हैं वेक्टर डी। वेक्टर डी के बाणाग्र को वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे से मिला देते हैं, और वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे से और वेक्टर डी के बाणाग्र तक का जो वेक्टर होता है वेक्टर आर, वो वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर सी और वेक्टर डी का योग होता है। अर्थात वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसकी जोड़ने की और भी दो विधियां हैं। जरूरी नहीं होता कि हम पहले वेक्टर ए खींचें, वेक्टर बी खींच सकते हैं, बी के बाद वेक्टर डी खींच सकते हैं, वेक्टर डी के बाद वेक्टर ए खींच सकते हैं, किसी भी क्रम में खींच लीजिए। वो भी जरूरी नहीं होता कि वेक्टरों को इसी क्रम में रखा जाए, चाहे आप जिस क्रम में कर लीजिए, तो उसकी सहायता से हम वेक्टरों को जोड़ देते हैं। दो या दो से अधिक जो भी वेक्टर होते हैं उन्हें बहुभुज विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद आ जाती है वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि। गणितीय विधि में यह होता है, दो वेक्टर होते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इन्हें की जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन्हें दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं। एक ये है वेक्टर ए और दूसरा ये है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। वेक्टरों को जोड़ने की जो गणितीय विधि है, गणितीय विधि में इसे समांतर चतुर्भुज विधि भी कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की सहायता से जोड़ते हैं। अब जो दोनों वेक्टर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का,
जो परिणामी होगा वो इन दोनों भुजाओं के संलग्न बिंदु से होकर जाता है, यह है वेक्टर आर। इसे पूरा करने के लिए एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं हम। ये समांतर चतुर्भुज है और इसे इसे मिला लेंगे, ये बिंदु ओ, ये पी, ये क्यू और ये है आर। वेक्टर ए को आगे बढ़ाएंगे और क्यू से इस पर लंब डाल देंगे, ये पॉइंट है एस, ये कोण भी होगा थीटा। तो उसमें बताया है कि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से, वेक्टर ए और वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका जो परिणामी वेक्टर आर होगा वो समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के संलग्न बिंदु से होकर जाता है। यानी कि अगर दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से होकर जाता है, उस विकर्ण को प्रदर्शित करता है जो दोनों भुजाओं के संलग्न बिंदु से होकर जाते हैं। यानी कि जो विकर्ण OQ है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी को प्रदर्शित करता है। जब हम इसे प्रूफ करते हैं, ये कोण मान लेंगे कितना है अल्फा, क्यू से आएस पर हमने लंब डाला है तो जो ओ क्यू एस होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू एस में, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग बराबर होगा ओ एस का वर्ग प्लस एस क्यू का वर्ग। यहाँ पर हम ये जो बिंदु आर रखा है, आर से हमने परिणामी रिप्रेजेंट किया है, तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, इसका नाम टी रख लीजिए आप, नहीं तो फिर दोनों में कन्फ्यूज हो जाएगा। ओ क्यू का वर्ग ओ एस का वर्ग प्लस एस क्यू का वर्ग, तो ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ एस को लिख सकते हैं हम ओ पी प्लस पी एस का वर्ग प्लस एस क्यू का वर्ग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ पी इंटू पी एस और प्लस एस क्यू का वर्ग। हम देखते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, इसे एक साथ लिख लेंगे पी एस स्क्वायर एस क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ पी इंटू पी एस। अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस में जो पी क्यू का वर्ग होगा वो पी एस के वर्ग के बराबर, पी एस का वर्ग प्लस एस क्यू के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि पी क्यू का जो वर्ग होगा वो पी एस का वर्ग प्लस एस क्यू का वर्ग होगा। यानी कि जहाँ पर पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर लिखवाया है उसके स्थान पर पी क्यू स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओ क्यू के स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ पी इंटू पी एस। अब पी एस का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ पी एस में कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा पी एस और कर्ण कितना हमारा पी क्यू, ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर पी एस बटे पी क्यू या पी एस बराबर पी क्यू कोस थीटा, इसमें रख देंगे समीकरण एक डाल देंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग प्लस टू इंटू ओ पी इंटू पी एस की जगह कितना होगा पी क्यू कोस थीटा, ये हो जाएगा ओ क्यू। ओ क्यू इसे को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आर, तो आर स्क्वायर। ओ पी, ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है ए, तो ए स्क्वायर। पी और क्यू, पी और क्यू जो होगा वो ओ और टी के बराबर होगा, यानी कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है वी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू पी क्यू का मान होगा वी कॉस थीटा। यानी कि परिणामी हो जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी कॉस थीटा। अब यहाँ से कंडीशन बन जाती हैं कि यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हों, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, मान लो वेक्टर ए यहाँ पर है वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जीरो होता है। यानी कि कंडीशन होती है यदि
दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो तब, एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान होगा जीरो। जब थीटा का मान जीरो होगा तो यहाँ रखेंगे हम, ये हो जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी कोस जीरो। कोस जीरो का मान होता है वन, तब ये हो जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर बराबर इसे लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो आर बराबर होगा ए प्लस बी। यानी कि उस समय जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो इनका जो परिणामी होगा वो अधिकतम होगा। इसके बाद अगर दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे तो इनके जो बीच का कोण होगा वो 90 अंश होगा। सेकंड कंडीशन में लिख देते हैं, यह देख लेंगे यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत होंगे तब थीटा बराबर होगा 90। जब 90 होगा तो आर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तब आर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरी कंडीशन होती है यदि दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत हों, विपरीत होंगे तो इनके बीच का कोण होता है थीटा बराबर 180, तब हो जाता आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वी कोस 180। कोस 180 का मान होता है माइनस के वन, माइनस वन होगा तो यह माइनस आ जाएगा, यानी कि आर बराबर होगा ए माइनस वी। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे परिणामी अधिकतम होगा, विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी न्यूनतम होगा, ए माइनस बी होगा, और बीच का कोण अगर उनके 90 है तो तब परिणामी आर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसके बाद देखेंगे दो वेक्टरों का घटाना, दो वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है। दो वेक्टरों का घटाना, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन्हें कैसे घटाया जाता है। तो यहां पर दो कंडीशन है, अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है और दूसरा है कि वेक्टर बी में से हमें वेक्टर ए घटाना है। इसके लिए हम करते हैं कि एक ही बिंदु से दोनों वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर ए भी खींचेंगे और वेक्टर बी भी खींचेंगे। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट मान लीजिए ओ है, ओ से वेक्टर ए खींच लेंगे, ये है वेक्टर ए, फिर ओ से ही वेक्टर बी प्रारंभ करेंगे, ये है वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है तो वी के बाणाग्र से प्रारंभ करके इनका परिणामी वेक्टर खींचते हैं, यानी कि फिर वेक्टर होगा ये इस तरह से, वेक्टर बी से प्रारंभ करेंगे, ए के बाणाग्र तक खींचेंगे, ये होगा वेक्टर आर। तो जो वेक्टर आर होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतर होगा, वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। और यदि हमें वेक्टर बी में से वेक्टर ए घटाना है तो इसके लिए वही पहले दोनों वेक्टर खींच लेंगे, ये वेक्टर ए फिर ये है वेक्टर बी, एक ही बिंदु से खींचेंगे। अगर बी में से ए घटाना है तो ए के बाणाग्र से प्रारंभ करके इनका परिणामी वेक्टर खींचते हैं, ये वेक्टर हो जाएगा, ये है वेक्टर आर। तो जो वेक्टर आर होगा वो वेक्टर बी माइनस के वेक्टर ए होगा। इस प्रकार से हम दो वेक्टरों को घटा सकते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे वेक्टरों का गुणन, देखो किस वेक्टरों का वियोजन देखेंगे हम, किसी तल में किसी वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर को हमें घटकों में तोड़ना है, तो अगर उन घटकों का संयुक्त प्रभाव वेक्टर ए होगा तो उसे ही हम वेक्टर का वियोजन बोलते हैं। इसके लिए करते हैं कि
कि एक वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए का जो प्रारंभिक सिरा होगा वो मूल बिंदु होगा। जब मूल बिंदु होगा तो इस मूल बिंदु पर दो अक्ष खींच लेते हैं, एक अक्ष है हमारी ओ एक्स जिसे क्षैतिज अक्ष बोलते हैं और दूसरी अक्ष है हमारी ओ वाई जिसे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। ये वेक्टर ए जहां पर इसका बाड़ाग्रह ये बिंदु है मान लीजिए आर, बिंदु आर से ओ एक्स पर लंब डालते हैं और बिंदु आर से ही ओ वाई पर लंब डालते हैं, ये लंब डाल देते हैं, ये कोण है थीटा। मान लेंगे कि इस वेक्टर ए का जो क्षैतिज घटक है वो है ए एक्स वैक्टर और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो उसका है ए वाई वैक्टर। तो वेक्टर ए का जो मान होगा वो ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर के योग के बराबर होगा। इसका नाम रखते हैं ओ पी और ये रख सकते हैं क्यू। जितना ओ क्यू होगा उतना ही पी क्यू होगा, जितना ओ पी होगा उतना ही क्यू आर होगा, यानी कि जो ओ क्यू होगा तो ओ पी होगा। ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा ए वाई होगा। वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई का योग होगा, यानी कि वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यदि एक्स अक्ष पर एकांक वेक्टर आई कैप हो और वाई अक्ष पर एकांक वेक्टर जे कैप हो तो तब ए एक्स बराबर हो जाता ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। यहां पर रख देंगे वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। जब इसका परिणामी निकालते हैं अगर x और y में होता है तो जो परिणामी होगा परिणामी वेक्टर वेक्टर a मापांक लगा देंगे i के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक के स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका परिणामी होता है। इसे हम दूसरी कंडीशन में ये देख लेते हैं कि ये कौन है थीटा। जब थीटा है तो अब हम त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में देखते हैं कोस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, यानी कि ए एक्स वैक्टर बटे वैक्टर ए। तो ए एक्स बराबर हो जाएगा, उल्टा हो गया सॉरी, आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा ए एक्स वैक्टर और कर्ण हमारा वैक्टर ए, यानी कि ए एक्स बराबर हो गया ए कोस थीटा। इसे समीकरण डाल देंगे एक। फिर इसी त्रिभुज में साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी आर और बटे ओ आर, पी आर का जो मान है वो कितना है ए वाई, ए वाई वैक्टर और ओ आर का मान है वैक्टर ए, यानी कि ये हो जाएगा ए वाई वैक्टर बराबर वैक्टर ए साइन थीटा। इसे समीकरण डाल देंगे दो। समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ देंगे, जब समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है वन, तब हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या ए बराबर हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हम देखते हैं एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखा तभी परिणामी हमारा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर का रूट आया था, और जब हमने कोस और साइन में तोड़ा था तब भी उसका परिणामी कितना था ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए एक्स वाई ए एक्स कोस थीटा और ए वाई साइन थीटा जो है वो वैक्टर ए के घटक होते हैं जिन्हें हम वियोजित घटक कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दो वेक्टरों का गुणन। तो अब देखेंगे दो वेक्टरों का स्केलर गुणन या बिंदु गुणन, ये इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण है थीटा, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम अदिश गुणन देखेंगे जिसे अदिश गुणन, स्केलर गुणन, बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है वो उन वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो वेक्टर वेक्टर ए हो वेक्टर बी हो और वेक्टर ए का परिणामी
ए का मापांक परिणामी कैसे लिखते हैं, वेक्टर बी का परिणामी होगा तो बी पर मोड़ लगा देते हैं। तो वो ये कहता है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणन एक अदिश राशि होता है जो उन वेक्टरों के परिमाणों यानी कि वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड उन वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डॉट पढ़ते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कोस थीटा, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं। अगर आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, इसलिए बिल्कुल है इनकी गुणाई लेकिन चिन्ह यहाँ पर कोई भी नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं सामान्य उसमें कि कहीं गुणा लगानी होती है तो हम एक्स इंटू वाई तब भी एक्स वाई होता है, एक्स इंटू वाई तब भी एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर में थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि ये डॉट बन जाता है और ये हो जाता है क्रॉस, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो आपको बताया था कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि कहीं पर ऐसा हो, यदि वेक्टर ए का मापांक ए हो और वेक्टर बी का मापांक वी हो तो तब फॉर्मूला हो जाता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर ए वी कोस थीटा। अक्सर यही लिखा जाता है ज़्यादातर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर ए वी कोस थीटा, लेकिन तब लिखा जाता है जब ए का मापांक ए हो और बी का मापांक कितना हो वी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि भी अदिश गुणनफल या स्केलर गुणनफल में कौन कौन से गुण होते हैं। यहाँ पर जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी आया है वो है ए वी कोस थीटा, यानी कि थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा का मान अगर हम जीरो रखेंगे तो कोस जीरो का मान होता है वन, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर हो जाएगा केवल ए वी। थीटा का मान अगर हम 90 रख दें, कोस 90 का मान जीरो, तो ए डॉट बी हो जाएगा जीरो। और यदि थीटा का मान हम 180 रख दें तो ए डॉट बी हो जाएगा माइनस की ए वी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होता है। दूसरा होता है वेक्टर गुणन जो स्केलर गुणन जो होता है वो क्रम विनिमेय होता है, यानी कि जो वेक्टर ए डॉट वी आएगा वही वेक्टर वी डॉट ए आएगा। तीसरा होता है कि जो दो वेक्टरों का स्केलर गुणन है वो क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय का मतलब अगर कहीं ऐसा हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी, तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तीसरा होता है यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो जीरो होगा। दो वेक्टर परस्पर समांतर हैं, समांतर होंगे थीटा का मान जीरो होगा तो उनका अदिश गुणनफल जो होगा उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होगा। और यदि दो वेक्टर परस्पर विपरीत हैं, थीटा का मान 180 है तो उनके परिणामों के गुणनफल के विपरीत होता है, यानी माइनस होता है उसमें। फिर इसके बाद आ जाता है जो लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप में क्या संबंध होता है, ये अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों में पता होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि अगर आई डॉट आई हो बराबर जे डॉट जे हो के डॉट के हो तो इसका मान होता है वन, और यदि आई डॉट जे हो जे डॉट के हो या के डॉट आई हो तो इसका मान होता है जीरो। ये कैसे होता है अभी यहाँ आपको बताएंगे। हम अक्ष खींच लेते हैं, एक है एक्स अक्ष, फिर ये वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। ये अक्षों का मूल बिंदु है ओ। ये जो अक्ष होती हैं ये तीनों परस्पर लंबवत होती हैं। एक्स और वाई के बीच का कोण भी 90 होगा, वाई और जेड के बीच का भी कोण 90 होता है, जेड और एक्स के बीच का भी कोण 90 होता है। एक्स अक्ष पर जो एकांक वेक्टर होता है उसे आई कैप, वाई अक्ष पर होता है जे कैप और जेड अक्ष पर जो होता है उसे के कैप। अभी आपको बताया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कोस थीटा। अब हमें आई डॉट आई, आई डॉट आई का मतलब वेक्टर ए का मान भी आई और वेक्टर बी का मान भी कितना है आई है,
एकांक वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक होता है, यानी कि आई कैप का जो परिणामी होगा वो वन, दूसरा आई कैप है उसका भी परिणामी वन, और इनके आई कैप और आई कैप यानी जब दोनों वेक्टर एक ही अक्ष पर होंगे तो उनके बीच का कोण होता है जीरो, और ये होता है कोस जीरो। कोस जीरो का मान वन, तब आई डॉट आई का मान कितना हो जाता है वन। इसी प्रकार जे डॉट जे, इसी प्रकार के डॉट के। अब अगर कहीं पर आई डॉट जे हो, आई डॉट जे, आई कैप, आई कैप है उसका भी परिणामी वन, जे कैप है उसका भी परिणामी वन, लेकिन आई और जे के बीच का जो कोण है वो कितना है 90, तब ये कितना हो जाता है कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है जीरो, इसीलिए आई डॉट जे का मान कितना होता है जीरो। चाहे आई डॉट जे हो चाहे जे डॉट के हो, दोनों के बीच का कोण 90 होगा, और चाहे के डॉट आई हो तब भी कोण कितना होगा 90 होगा। इसीलिए स्केलर गुणन में सेम का डॉट प्रोडक्ट वन और अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। इसके बाद हम देखेंगे दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। देखिए अब देखेंगे दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन अथवा क्रॉस गुणन, या जिसे हम सदिश गुणन भी कहते हैं। इसमें भी वही होता है, अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर ए का परिणामी एक ए का मोड और वेक्टर बी का परिणामी वी मोड हो, तो वो कहता है कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन एक सदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसकी जो दिशा होती है वो दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। अर्थात जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी से क्रॉस पढ़ेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, साइन थीटा और एन कैप। जो एन कैप होता है वो एकांक सदिश होता है जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जिनमें दोनों वेक्टर होंगे उसके तल के लंबवत होती है। यानी जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू साइन थीटा और एन कैप, जहां एन कैप जो होता है दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत डायरेक्शन होती है उसे शो करता है। इसके भी जो गुण होते हैं कि वेक्टर गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का जो मान होता है वो माइनस के वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है। जैसे डॉट में था कि ए डॉट वी बराबर बी डॉट ए था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए, ये नहीं होता है, इसमें यहाँ पर माइनस आता है। दूसरा होता है कि सदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब है अगर कहीं ऐसा लिखा हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वे, सॉरी क्रम विनिमय नहीं वितरित होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है, बता दिया आपको पहले, वितरित होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अगर ये वेक्टर क्रॉस के साथ पहले लिखा हुआ तो यहाँ भी पहले ही आएगा, और अगर ये बाद में लिखवाया होता है तो तब ये बाद में ही आता है, नहीं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दूसरा होता है कि अगर दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना होगा 90, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी होगा वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर वी का मापांक, वो उसके हिसाब से हो जाता है। जितना भी कोण होगा थीटा का मान जीरो होगा तो शून्य हो जाएंगे, थीटा का मान 90 होगा परस्पर लंबवत होंगे तो एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी होगा थीटा का मान 180 होगा तो फिर जीरो हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप में क्रॉस प्रोडक्ट में क्या संबंध होता है। तो अगर आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे होगा तो इसका मान होगा के कैप, और यदि जे क्रॉस आई होगा तो इसका मान होगा माइनस के कैप। सर इस बिल्कुल सर्किल से देखते हैं इसे, ये है अगर ये आई फिर जे और फिर कितना है के, आई के बाद जे की क्रॉस प्रोडक्ट है आई के बाद जे तो के आएगा, यदि जे के बाद आई है उल्टा चलेंगे तो माइनस के आएगा। जे क्रॉस के है आई, जे जे के बाद के और के बाद क्या आएगा आई कैप, अगर के क्रॉस जे होगा क्रम आगे पीछे होगा तो माइनस के आई कैप, के क्रॉस आई होगा
तो जे कैप, और यदि आई क्रॉस के होगा तो माइनस के जे कैप। इसे क्रॉस को कैसे हल करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके आपको अभी बताए जाएंगे। हम देखते हैं कि कहीं पर आपको दे दिया वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर दे दिया i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 6k कैप। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। वो ये कहता है कि a क्रॉस v ज्ञात कीजिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v ज्ञात करना है। a क्रॉस v ज्ञात करेंगे तो दो मेथड होते हैं, इसका एक सारणिक मेथड होता है, एक सीधा सीधा क्रॉस लगा के कर सकते हैं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v फाइंड आउट करना है, ये सारणिक का मेथड होता है। ऊपर i कैप j कैप और k कैप लिख लेते हैं। वेक्टर a है तो वेक्टर a के एलिमेंट लिखेंगे, i का एलिमेंट है 2, j का है 3 और k का कितना है 4। फिर b का लिखेंगे, b में i की मल्टीप्लाई में 1, j की मल्टीप्लाई में माइनस दो लिखेंगे, चिन्ह जिस चीज का होगा चिन्ह सहित रखेंगे, k में कितना है माइनस के 6। अब जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप i लिख लीजिए पहले। जब i लिखेंगे तो i के आमने सामने का एक तो ये एक ऊपर वाला 1, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 4 माइनस 6, यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 6। फिर आता है माइनस का j, j लिखेंगे, j के सामने की ये कॉलम खत्म और j के सामने की रो खत्म, यहाँ बचेगा 2 1 और यहाँ बचेगा 4 और माइनस के 6। फिर आता है k देखेंगे, k के सामने का ये कॉलम खत्म, रो सब में खत्म चलेगी, 2 1 2 1 3 और माइनस के 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 2 की फोर्स करते हैं, आई 6 18 माइनस आएगा, 4 2 8 माइनस के, माइनस पहले से ही तो प्लस, 4 2 8 माइनस के जे, 6 2 12 माइनस के, माइनस 4 1 4 प्लस का के, 2 2 माइनस के 4 और 3 1 3 ये हो जाएगा 18 में 60 जाएंगे माइनस के 10 आई, 12 8 4 माइनस के 16, माइनस पहले से ही तो प्लस के 16 जे, 4 और 3 माइनस के 7 और माइनस के 7 के, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ही निकल के आ जाएगा। दूसरा मेथड इसका ये होता है कि अगर सीधा सीधा हमें निकालना है तो उसमें करते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मान लीजिए कहीं वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 3j, वेक्टर बी बराबर है i माइनस के 3j। वेक्टर ए का मान रखेंगे 2i प्लस 3j क्रॉस i माइनस के 3j। क्रॉस में पहले 2i की इस i से क्रॉस प्रोडक्ट, फिर 2i का 3j से क्रॉस प्रोडक्ट, फिर 3j का i से क्रॉस प्रोडक्ट और फिर 3j का 3j से क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं 2i क्रॉस i माइनस 3 2 6 i क्रॉस j, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 3 1 3 j क्रॉस i और फिर 3 3 9 j क्रॉस j। देखते हैं सेम का i क्रॉस i, j क्रॉस j का मान 0 होता है, ये हो जाएगा 2, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी जब 0 रखेंगे तो, माइनस के 6 i क्रॉस j प्लस के 3 j क्रॉस i और j क्रॉस j का मान भी कितना होगा 0। अभी आपको बताया था कि अगर i क्रॉस j है तो मान k होगा, और यदि j क्रॉस i है तो माइनस के k होता है, यहाँ रख देंगे माइनस के 6k और प्लस के 3 इसका मान होगा माइनस का k, कैप सब पर लगा देंगे, माइनस के 3 ये माइनस के 6 ये माइनस के 9k इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन है प्रक्षेप्य गति। वो कहता है, क्वेश्चन ये आता है कि प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। तो हमें यहां पर ये बताना है कि प्रक्षेप्य गति क्या है
और प्रक्षेपक पथ परवलाकार कैसे होता है उसको हमें प्रूफ करना है। तो ये बताया गया कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब होता है कि हम अक्ष खींच लेते हैं, ये एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये अक्षों का मूल बिंदु है ओ। तो जो ओ एक्स है इसे क्षैतिज अक्ष बोलते हैं और जो ओ वाई है इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। किसी पिंड को क्षैतिज के समतल फेंका जाता तो वो क्षैतिज अक्ष, सीधा ऊपर को फेंका जाता तो ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो उसने कहा है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो उसकी फेंकने की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है, यानी इस पर गति करता है। उसकी जो ये गति होती है इसे प्रक्षेपक गति और इस पथ को प्रक्षेपक का पथ कहते हैं। यहां से जब पिंड फेंका गया तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है और क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है तो उसका जो क्षैतिज घटक होगा वो ux और वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा uy, जो आपको वियोजित वेक्टर में बताया था। जब पिंड u के बाद यहां जो होगा उसका जिस जो पॉइंट p है ये उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, यानी पिंड बिंदु o से ऊपर जाना प्रारंभ करता है, जिस पॉइंट से ये लौटेगा नीचे की ओर वो उसका उच्चतम पॉइंट होगा और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई होती है h। इस पॉइंट पर उसका क्षैतिज वेग होगा, ऊर्ध्वाधर वेग नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर वेग मतलब ऊपर जाने का वेग और क्षैतिज मतलब समतल में आने का वेग जो होता है, इस पॉइंट पर केवल उसका क्षैतिज वेग होगा, ऊर्ध्वाधर वेग नहीं होगा। ओके, कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि वेग उसका बी हो जाता है, जिसका घटक क्षैतिज घटक बी एक्स और ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाता उसका वी वाई हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। आपको प्रक्षेप्य गति के बारे में बता दिया है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है, उसकी ये गति प्रक्षेप्य गति और उसका जो ये पथ होता है उसे हम प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। हमें यह लिखना है, बताना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। तो प्रक्षेप्य का पथ वो कहता है कि कोई बिंदु ओ है जिससे किसी पिंड को फेंका जा रहा है, प्रारंभिक वेग यू से फेंका जाता है, जिसका क्षैतिज घटक है यू एक्स और ऊर्ध्वाधर घटक कितना है उसका यू वाई। तो हम देखते हैं वेग यू के घटक क्षैतिज घटक क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा। हम उसकी जो गति होगी दो अक्ष पर काउंट करेंगे, एक क्षैतिज अक्ष पर और दूसरी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज दूरी बराबर होता है क्षैतिज वेग इनटू समय। क्षैतिज दूरी एक्स अक्ष के, क्षैतिज दूरी होती है हमारी एक्स अक्ष में, क्षैतिज वेग है उसका यू एक्स और समय है उसका टी। तो क्षैतिज दूरी को हम मान लेंगे कि एक्स, एक्स बराबर क्षैतिज वेग है यू एक्स और समय कितना उसका टी, एक्स अपॉन यू एक्स बराबर हो गया टी और टी बराबर हो गया एक्स अपॉन यू एक्स। यू एक्स का मान है क्षैतिज घटक उसका यू एक्स बराबर होता है यू कोस थीटा, तो टी बराबर एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ऊर्ध्वाधर गति के लिए फॉर्मूला देखेंगे हम, एच बराबर होता है यू वाई टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। एच ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय की उन्होंने, यू वाई ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई और माइनस आएगा, माइनस का मतलब यह है कि जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है तो उस पर जो यह साइन आता है वो माइनस का आ जाता है। तो एच की जगह हो जाएगा वाई, यू वाई टी माइनस के एक बटा दो जी टी स्क्वायर, वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी का मान है एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस एक बटा दो इंटू जी इंटू एक्स अपॉन
यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वाई बराबर यू से यू कैंसिल, एक्स टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर वटे टू यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। जब कोई समीकरण एक्स वाई में से किसी एक में सिंगल घात हो दूसरे में डबल घात हो तो वो समीकरण जो है एक परवलय को प्रदर्शित करती है। यहां हम देखते हैं कि समीकरण y में सिंगल घात और x में डबल घात है तो ये जो समीकरण है एक परवलय को शो करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, परवलयकार होता है। हम आपको बताएं, देखते हैं हम कि अक्ष होती हैं, एक है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और यह वाई डैश। जब कोई परवलय होगा तो इस प्रकार की आकृति परवलय की होती है, अक्षों का मूल बिंदु है ओ। ये परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में, आकृति ये भी हो सकती है, ये परवलय एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है, आकृति ये भी हो सकती है परवलय वाई एक्स की धन दिशा में है, और आकृति ये भी हो सकती है जो परवलय वाई एक्स की ऋण दिशा में है। अगर परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में है, पहली वाली कंडीशन है, तो फॉर्मूला होगा वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। अगर परवलय एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है दूसरी कंडीशन जो है तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस के फोर ए एक्स माइनस आ जाता है। यहां हम देखते हैं कि समीकरण एक्स में सिंगल घात और वाई में डबल घात है तब ये समीकरण एक परवलय को शो करती है, ये मैथमेटिक्स में होगा। और अगर एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई तो वाई एक्स की धन दिशा में, और एक्स स्क्वायर माइनस के फोर ए वाई तो परवलय वाई एक्स की ऋण दिशा में हो जाता है। तो यहां पर जो हम देखते हैं ये समीकरण कि एक्स में द्विघात है और वाई में सिंगल घात है तो ये समीकरण एक परवलय को शो करती है। इसके बाद हम देखेंगे उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या होती है, उसकी कितनी परास होती है, वो यहां पर हम देखेंगे। हम देखते हैं, हिंट डाल लेंगे, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, उड्डयन काल का मतलब होता है हवा में रहने का समय। जितने समय कोई पिंड हवा में रहता है वो उसका जो समय कहलाता है वो उड्डयन काल कहलाता है। पिंड बिंदु ओ से फेंका जाता है और एक्स अक्ष पर अपने समतल में जो है वो इस पॉइंट पर आ जाता है, ये कोई पॉइंट मान लेंगे क्यू है, यहां तक आ जाता है। तो ओ से क्यू तक जो जितनी देर वो हवा में रहता है वो जो समय होता है उसका उड्डयन काल कहलाता है। हम देखते हैं कि अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जितना समय लेता है उतने ही समय में उच्चतम बिंदु से और समतल पर आ जाता है, ये जो समय होता है उसका उड्डयन काल कहलाता है। जितने ओ से पी तक का अगर हम समय ज्ञात कर लें और उसका दोगुना कर दें तो ओ से क्यू तक कितना समय लिया वो उसका उड्डयन काल कहलाता है, वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो हम देखते हैं गति का समीकरण होता है v बराबर u माइनस के जी टी से उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य, उच्चतम बिंदु पर v बराबर होगा जीरो, जीरो u बराबर है u साइन थीटा और माइनस के जी टी, जी टी बराबर u साइन थीटा और t बराबर हो गया u साइन थीटा अपॉन g। लिख देंगे उड्डयन काल, उड्डयन काल t बराबर होगा 2t, ये समय जो O से P तक का है, जितने समय में O से P तक पहुंचता उतने समय में P से समतल पर आ जाता है। तो उड्डयन काल हो जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g, ये उसका उड्डयन काल का फॉर्मूला हो जाएगा। देखते हैं फिर प्रक्षेप्य की ऊंचाई, प्रक्षेप्य की ऊंचाई, ऊंचाई है फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g h से, v का मान 0, u है तो u साइन थीटा ऊर्ध्वाधर वेग और माइनस के 2g h, 2g h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h बराबर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई देखनी है, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई जब होगी जब कोई पिंड बिल्कुल जमीन से सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि थीटा का मान 90, जब थीटा 90 होगा तो इसे लिख देंगे h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90
अपॉन 2g साइन 90 का मान 1, तो एच मैक्सिमम बड़ा हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसके बाद एक इसमें रहता है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास अब हम देखेंगे। यहां से यहां तक O से X तक की जो डिस्टेंस होती है उसकी क्षैतिज परास कहलाती है। लिख देंगे क्षैतिज परास बराबर, क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग इनटू उड्डयन काल। क्षैतिज परास को लिखते हैं R से, क्षैतिज वेग UX और उड्डयन काल होता है कैपिटल T। R बराबर UX बराबर U cos थीटा, उड्डयन काल आया 2u sin थीटा अपॉन g, या r बराबर 2u, इसको ऐसे लिखेंगे u की u से मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो r बराबर हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। यदि यदि थीटा बराबर कितना हो 45 एंगल, तो R बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 45 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 अपॉन G, इसे मैक्सिमम लिख देंगे, या R मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन G। यानी कि अगर किसी पिंड को आपको अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो 36 से आप उसे 45 अंश के कोण पर अगर फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, अधिकतम दूरी तय करेगा। अभी हमारा चैप्टर की इसकी थ्योरी खत्म हो जाती है, न्यूमेरिकल जो वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने पहले भेज दिया था, एक ही आ जाएगा, PDF में इसके नोट्स मिल जाएंगे, और जो न्यूमेरिकल होंगे वो इसके अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।